आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज। मेजर की पत्नी की हत्या, जबरन शादी करना चाहता था निखिल, कार के अंदर ही मारा चाकू। दिल्ली के कैंट इलाके में एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने अहम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी एक अन्य अफसर मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लिया है। मेजर निखिल हांडा से पूछताछ में प्रेम प्रसंग के मामले की पुष्टि हुई है। इंग्लैंड के कप्तान केन के कहर से रोंडाला पानामा को। फीफा विश्व कप 2018 में हुए एक तरफा मुकाबले में इंग्लैंड ने पानामा को 6-1 से हरा दिया है। यह इस विश्व कप में अब तक की किसी भी टीम की सबसे बड़ी जीत है। पीएम नरेंद्र मोदी बिना सिक्योरिटी अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने पहुंचे एम्स। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 11 जून से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती हैं। पीएम मोदी रविवार को वाजपेयी का हालचाल जानने के लिए एक बार फिर एम्स पहुंचे। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी ने बिना सिक्योरिटी और बिना रूट के अपने घर 7 लोग कल्याण मार्ग से एम्स तक का सफर तय किया। इस दौरान पीएम ने 7 लोग कल्याण मार्ग से एम्स तक ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए पहुंचे। काला ने रजनीकांत के कैरियर पर लगाया ग्रहण, अक्षय कुमार की भी उड़ी नींद। रजनीकांत की फिल्म काला के खराब बॉक्स ऑफिस नतीजों ने दक्षिण भारत के वितरकों को परेशान कर डाला है। फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चल सकी और उधर रजनीकांत की अगली फिल्म 2.0 को भी अनिश्चितकालीन के लिए आगे बढ़ाया है। अमित शाह के आरोपों पर महबूबा मुफ्ती का पलटवार, हर फैसले में साथ थी बीजेपी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को अपने ऊपर लगे जम्मू और लद्दाख के क्षेत्र के साथ भेदभाव के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हर फैसले में साथ थी बीजेपी। सऊदी अरब में 60 साल बाद महिलाओं को मिली ड्राइविंग की आजादी, हटा बैन। सऊदी अरब में रविवार से महिलाओं को आधिकारिक तौर पर सड़कों पर ड्राइविंग करने, गाड़ी चलाने की इजाजत मिल गई है। इसी के साथ सऊदी अरब महिलाओं के गाड़ी चलाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने वाला दुनिया का आखिरी देश बन गया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब दुनिया का इकलौता देश था जहां महिलाएं ड्राइविंग नहीं कर सकती थी। व्हाट्सएप ऐप पर गर्लफ्रेंड को भेजा शादी का कार्ड, दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने किया अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के आगरा के मरौली थाने में व्हाट्सएप मैसेज ने दुष्कर्म के आरोपी को जेल पहुंचा दिया। दिल्ली पुलिस उस समय गांव पहुंची जब आरोपी अपनी बारात ले जाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी की माने तो आरोपी ने अपनी शादी का कार्ड गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप पर भेजा था। इसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। आरएसएस की शाखा बंद कराना, आगरा के एसपीसीडी को बड़ा भारी, आगरा से हुआ ट्रांसफर। आगरा के थाना ताजगंज इलाके में आरएसएस के स्वयंसेवकों की संध्याकालीन शाखा बंद कराना आगरा के एसपीसीडी कुंवर अनुपम सिंह को भारी पड़ गया। आगरा के विधायकों की शिकायत के बाद शनिवार को कुंवर अनुपम सिंह को आगरा से ट्रांसफर कर दिया गया। आप देखते रहिए गीतम सिंह के साथ 7 इंडिया न्यूज।